देखो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, हाउ मैनी टू डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, इवन नंबर टू डिजिट का, ठीक है। टू डिजिट तो टू चॉइस टू स्पेस है मेरे पास। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, डिजिट गिवन डिजिट कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 5 डिजिट्स हैं मेरे पास, ठीक है। इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके मुझे एक नंबर बनाना है टू डिजिट से बने जो, लेकिन वो कैसा, वो इवन। अगर इवन नंबर है तो वंस प्लेस पर इवन डिजिट ही आएगी। इनमें से इवन डिजिट कौन कौन सी हैं, 2 और 4, यानी इस वंस प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी हैं, सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। अगर यहाँ पर इन 2 के अलावा मैं कुछ और फिल करूँगी, 1, 3 या 5, तो मेरे पास इवन नंबर नहीं बनेगा, और हमें बनाना क्या है, इवन नंबर, ये भी कंडीशन है उसकी। तो यहाँ वंस प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 2, और इस टेंस प्लेस के लिए तो मैं कुछ भी फिल करूँ, चाहे 1 फिल करूँ तो भी इवन नंबर बनेगा, 2 फिल करूँ तो भी इवन नंबर बनेगा, 3 फिल करूँ तो भी इवन नंबर बनेगा, 4, 5, यानी 5 के 5 डिजिट हैं वो एज अ चॉइसेस हैं इसके लिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउडेड है, आप रिपीटेशन कर सकते हो। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो यहाँ जो मैं एक चॉइस फिल करती वो इनमें से कट जाता, इन दोनों में से एक चॉइस यहाँ फिल होती उसको यहाँ के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब रिपीटेशन अलाउडेड है तो जो डिजिट हमने यहाँ यूज़ किया वो मैं यहाँ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 5, और यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मिल गए, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। मुझे 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाना है, जो नंबर 100 और 1000 के बीच में आएगा डेफिनेटली वो 3 डिजिट्स का होगा, ठीक है। इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मेरे पास मैथ्स में डिजिट्स टोटल होती कितनी हैं, मेरे पास 0 से लेकर 0, 1, 2 अप टू 9 तक डिजिट होती हैं, 1 टू 9, 9 तो ये हो गई, और 0 भी इंक्लूड हुआ तो 10, यानी ये टोटल हमेशा कितनी होती है, 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं डिजिट से मिलकर मैथ का कोई भी नंबर बनता है, ठीक है। टोटल डिजिट इतनी है और मुझे 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, क्योंकि 100 और 1000 के बीच का नंबर लेना है, तो कितने डिजिट का होगा वो, 3 डिजिट्स का। उसके बाद उसने कहा रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर कितने नंबर लिए, 0, 1, 2, 9। पहले ही मैं यहाँ 100 प्लेस की बात करूँगी, मेरे पास 100 प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 100 प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं बच्चे, 100 प्लेस के लिए जब मैं चॉइस काउंट करूँगी तो मुझे 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट का स्टार्टिंग अक्षर 0 रख दिया जाए तो वो काउंट ही नहीं होगा, तो वो तो 2 डिजिट का रह जाएगा, 100 और 1000 के बीच में नहीं आएगा। तो इस प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 0 को निकाल कर जो डिजिट्स हैं, ठीक है, 0 को निकाल कर जितने भी डिजिट्स हैं उनमें से मैं यहाँ कुछ भी फिल कर सकती हूँ। तो इस स्पेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 9। इनमें से मान लो मैंने एक बार 5 फिल कर दिया फर्स्ट प्लेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर बचे 8 डिजिट और एक अब तो 0 भी इंक्लूड कर सकती हूँ, तो इस सेकंड प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 9, ठीक है। और इस थर्ड प्लेस के लिए चॉइस कितनी बची, 8, क्योंकि 10 में से 2 तो हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं, 8 चॉइसेस बचे। दोबारा समझो, यहाँ पहले मैं 100 प्लेस वाली चॉइस चेक करूँगी, इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, इस प्लेस के लिए इन 10 डिजिट्स में से 9 ही चॉइसेस हैं, क्योंकि 0 को मैं 100 प्लेस पर नहीं रख सकती, फिर ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी हो गई, 9, 9 में से आएगा तो एक ही डिजिट आएगी ना यहाँ, बाकी यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस बची, इनमें से जो एक डिजिट मैंने ले ली उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो यहाँ कितनी डिजिट बनी, बची 8, और एक 0 को भी इंक्लूड करते हैं कि 0 भी आ सकता है, तो फिर यहाँ प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 9, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लेसेस हमने फिल कर लिए, 2 प्लेसेस फिल हो गए, 2 डिजिट्स भी एक्सक्लूड हो गई, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, 8, तो टोटल नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 648।